गाइस, मैं हूं शिखा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपना लिपस्टिक का कलेक्शन, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरी वीडियोस पर कि मैंने लिप शेड कौन सा यूज किया हुआ है। बहुत सारे लिप शेड तो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन अभी जो रिसेंटली मैंने बाय किए हैं, मैंने सोचा उनको आपको दिखाऊं। और वो सभी मैंने बाय किए हैं ट्रेल शॉप से। अगर आपको नहीं पता ट्रेल शॉप क्या है तो मैं साइड में आपको दिखा रही हूँ। प्लस यार, यहाँ आपको ब्यूटी, ग्रूमिंग, फैशन, लाइफस्टाइल सभी से रिलेटेड इतनी सारी वीडियोस मिलेंगे। अगर आप भी इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस यहाँ अपलोड करना चाहते हैं तो ट्रेल ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रोफाइल क्रिएट कीजिए। प्लस इसी तरह की वीडियोस आप भी डाल सकते हैं यहाँ पर। आपको कुकिंग, DIY, फिटनेस, मतलब सभी तरह की वीडियोस मिल जाएंगी। और यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे ही जेन्युइन हैं, क्योंकि डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स मिलते हैं। तो इस वजह से रेंज भी काफ़ी सही है, जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं। और ये सभी जो आज मैं आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ, सभी को मैंने बाय किया है ट्रेल शॉप से। मस्ट से के यार, बहुत ही सुपर प्रोडक्ट है। सो कुछ लिपस्टिक का कलेक्शन मैं दिखाने वाली हूँ। मैंने भी प्रोफाइल क्रिएट की है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो अभी मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन जल्दी जल्दी मुझे भी वीडियो अपलोड करने हैं कि बड़ा अच्छा सा लगता है अगर इस तरह से हम खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो लोग जानते हैं, अच्छा लगता है। सो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं आज के लिपस्टिक कलेक्शन की। तो फर्स्ट शेड जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये है लैक्मे फॉरएवर मैट लिक्विड लिप कलर। और इस टाइम मैंने इसी को अप्लाई किया क्योंकि मैंने भी वीडियो शूट की थी, तो मैंने इसी को अप्लाई किया था। और बहुत ही ज़्यादा सुपर ये लिपस्टिक है। पास एक बार मैं इसका कलर दिखाना चाहूँगी। अच्छा, इसका जो है शेड नंबर 02 रेड वेलवेट इसका शेड है, जो कि मैं मेंशन कर दूंगी वैसे साइट में। और एक बार मैं इसको आपको दिखा देती हूँ कि इसका शेड कैसा है। टेक्सचर इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और एकदम क्रीमी भी नहीं है, एकदम मैट भी नहीं है, आपके लिप्स को ड्राई भी नहीं करेगी। ये देखिए, इसका कलर बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़्यादा सुपर कलर है। अगर आप इसकी शेड को और ज़्यादा ब्राइट करना चाहते हैं तो आप इसकी एक कोट और अप्लाई कर लें। लाइक जितनी आप इसकी कोट अप्लाई करेंगे इसकी शेड उतनी ही ब्राइट हो जाएगी। लुक एट दिस, बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है तो ट्रांसफ़र भी नहीं होती, और मुझे काफ़ी पसंद आई। सो ये है मेरी आज की फर्स्ट लिपस्टिक। सेकेंड शेड जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये है ब्रांड एलेटीन से, शेड नंबर P24 इसका है। और इसका भी एक बार चेक करते हैं। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला है ना वो क्रीमी मैट है। तो इस तरह के ये सारे कलर हैं कि अगर आपकी नॉर्मल टू डस्की स्किन है ना, सभी पर ये सूट करेंगे। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं होगी कि फेयर कलर है तो ही लगाएं या मीडियम स्किन टोन है। ये जितने भी कलर है ना, ये सभी स्किन टोन पर बहुत ही ज़्यादा फैबुलस लगते हैं। और इसका टेक्स्चर भी काफ़ी क्रीमी है। इसका जो करंटली मैं यूज़ कर रही हूँ, लाइक मैंने काफ़ी सारी शेड एक साथ मंगाई थी, जो मैं अभी करंटली यूज़ कर रही हूँ वो थोड़ा ऑरेंजिश है। ये आप देखिएगा इसका कलर हल्का सा पिंकिश पिंकिश। ये जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया था वो बिल्कुल रेड था, और इसमें हल्का सा पिंकिश पिंकिश टोन आ जाती है, तो बहुत ही प्यारी ये टोन लगती है। अगर आप न्यूली वेड हैं या फिर आपको डार्क कलर लगाना अच्छा लगता है, तो यार मेरा आज का पूरा ही कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है। नेक्स्ट अगेन फ्रॉम द सेम ब्रांड एलेटीन, और इसका शेड नंबर है P29 पिंक कर। और इसका भी ना कलर, लाइक सभी का आज जो मैं जितने भी आपको लिपस्टिक दिखाने वाली हूँ सारे ही डार्क शेड में है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फैबुलस है। लुक एट दिस, इसमें ना वो एक पीच कलर की शाइन होती है ना, उस तरह की शाइन है जो लिप्स पर लगने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। सो अभी ना मैं आपको सभी के स्वेचेस दिखाऊंगी तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा कि लिप्स पर अप्लाई करने के बाद ये कैसी लग रही है। आप देखिएगा ये थोड़ा डार्किश जो पिंक पिंक होता है और इसमें थोड़ा पीच कलर आ जाता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा फैबुलस लिपस्टिक है। और प्राइस के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। लुक एट दिस, इस प्राइस में तो बहुत ही ज़्यादा फैबुलस है। प्लस इसका शेड नंबर है P22 कोरल डोज, और इसको तो मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ, मुझे ये काफ़ी पसंद आई। वो हल्का सा ऑरेंज टच आ जाता है ना लिपस्टिक में, ये वो है। सो वन ऑफ माई फेवरेट लिपस्टिक इन दिस रेंज। और अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे, ये देखिए बहुत ही प्यारी ऑरेंज शेड इसकी है। आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। लिप्स पर लगाने के बाद इतनी ज़्यादा सुपर्ब ये लगती है, लाइक ये मेरे फेवरेट कलर है, रेड ऑरेंज मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तीनों ही लिपस्टिक का टेक्सचर इतना अच्छा, लाइक मेरे जो लिप्स हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो मैं कोई भी लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र या फिर कोई लिप बाम अप्लाई करती हूँ। तो इनके साथ है सच कुछ नहीं है, क्योंकि इनका टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप इन्हें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बड़े स्मूथ स्मूथ सा फील होता है।
सो मुझे बहुत पसंद आई, रेंज के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है और मेरी तरफ से है ये हाईली रिकमेंडेड। और इसके बाद जो मैंने ट्राई किया है वो है हर्बल लिपस्टिक जस्ट हर्ब से। लाइक यार इंडियन ब्रांड है और एक तो इसकी पैकिंग आप देखेंगे कितनी प्यारी पैकिंग है, प्लस कलर इतने प्यारे प्यारे ना। अभी मैंने इसकी 3 शेड ट्राई की हैं। कल जो मैंने अपनी लिपस्टिक कल मैंने एक वीडियो शूट की थी उसमें मैंने इसका हाँ यही शेड लगाया था। इतनी ज़्यादा कूल लग रही थी ना ये लगाने के बाद, बहुत ही ज़्यादा। लाइक अगर आपको मरून रेड टच में कुछ चाहिए ना तो यार इसको ज़रूर ट्राई करके देखें। सो फर्स्ट लिपस्टिक जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसका शेड नंबर है 05 तन्वी और शेड है इसका डीप रेड। और ये आप देखिए एकदम क्रीमी क्रीमी, बहुत ही अच्छी शेड और मतलब लिप्स पर अप्लाई करने के बाद इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल ये लगती है, एकदम ग्लोइंग फेस हो जाता है इसको अप्लाई करते ही। नेक्स्ट अगेन फ्रॉम द सेम ब्रांड जस्ट हर्ब और इसका शेड नंबर है 16। इस टाइम मैं ये कलर ट्राई कर रही हूँ क्योंकि अभी तक मैंने इस कलर को यूज़ नहीं किया और मेरा मन था कि मैं इस तरह का कोई शेड यूज़ करूँ। और ये देखिए कितनी प्यारी, मतलब दिखने में ही कलर इसका मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप ट्राई करके देखते हैं इसका कलर, वाओ तो बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है। आपके इंडियन वेस्टर्न सभी अटायर के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। प्लस यार मतलब मैं बार बार वही चीज़ कह रही हूँ कि मुझे ना इनका टेक्सचर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। नेक्स्ट पीस जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसका शेड नंबर है 06। तो इनकी ना फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है, अगर आपने अभी तक जस्ट हर्ब की लिपस्टिक ट्राई नहीं की है तो यार करके देखो। इतनी प्यारी लिपस्टिक, इतना प्यारा टेक्स्चर, एकदम क्रीमी मैट और सभी स्किन टोन को सूट होने वाली है। किसी का फेयर है कलर, मीडियम है, थोड़ा डस्की है, सभी स्किन कलर को सूट करने वाली है और जिनके ड्राई लिप्स हैं उनको तो ये बहुत ही ज़्यादा सूट करेंगी। तो ये मेरा लास्ट शेड जो ये देखिए कितना प्यारा रेड, एकदम शाइनी शाइनी कलर है। सो आज जो मैंने आपको दिखाए हैं वो है ये टोटल 7 शेड्स। और अब बढ़ते हैं लिप स्वेचेस की तरफ सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि अप्लाई करने के बाद ये कैसी लग रही है। अप्लाई करने के बाद सारी ही बहुत अच्छी हैं, टेक्सचर इनका बहुत ही ज़्यादा फैबुलस है और सभी स्किन टाइप को सूट करने वाली हैं। और ये जो सबसे लास्ट में मैंने अप्लाई करके दिखाई है ना ये थोड़ा न्यूड शेड है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा फैबुलस लगा। मेरी तरफ से सारा ही कलेक्शन है हाईली रिकमेंडेड, लिंक आपको इन सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इनकी ईजिली शॉपिंग कर सकते हैं। आई होप गाइज वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।